हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। हेलो गाइज, नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 3.4 ऑफ चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट। लाइक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि एलिमिनेशन मतलब क्या होगा। एलिमिनेशन मतलब हमें किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या होता है, दो इक्वेशन होते हैं। दो इक्वेशन मैं रैंडमली ले लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 ले लिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं और क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स भी होते हैं, x एंड y, क्लियर। x और y दो वेरिएबल्स हुए। अब हमें क्या करना होता था, हम पहले सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को किसी भी एक फॉर्म पे लिखते थे, किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में, और उसको दूसरे इक्वेशन में लाके पुट कर देते थे। उससे हमें x या y की वैल्यू ऐसे मिलती जाती थी, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करेंगे मतलब हटाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हम उसे हटा पाए पूरा और किसी एक वेरिएबल का आंसर ला पाए, क्लियर है। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कैसे कर पाएंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और एलिमिनेट किसके थ्रू होगा, कोएफिशिएंट्स के थ्रू होगा। सॉरी मैं ये बोलना भूल गई, ये एलिमिनेट जो होगा वो किसके थ्रू होगा, कोएफिशिएंट के थ्रू होगा। अभी पता चल जाएगा आपको कैसे। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक टर्म को अगर मुझे काटना है, ठीक है, या तो x को कट करूं या तो मैं y को कट करूं, तभी किसी एक, अगर मैं x को कट करूंगी तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं y को कट करूंगी तो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, क्लियर है। तो अब मैं पहले दोनों कट करके दिखाऊंगी आपको, आंसर सेम ही आएंगे, क्लियर है। तो फिर अब देखती हूँ मैं कि पहले x को एलिमिनेट करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, x के सामने 1 है कोएफिशिएंट, y के सामने भी 1 है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट 1 होता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम नहीं लिखे। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x के सामने कोएफिशिएंट 2 है, y के सामने कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है, ठीक है। तो हमें जब एलिमिनेट करना होता है तो हम पहले चेक करते हैं कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का। मैं अभी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि मैं x को एलिमिनेट करने वाली हूँ, तो मैं x का वेरिएबल चेक करूंगी। यहाँ क्या है, x का वेरिएबल 1 है, ठीक है। तो अब मेरे को इसे 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मेरे को सेम रखना है, इन दोनों को सेम रखना है। तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस इक्वेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करके ऐसे बस दिखा सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2 जा 10, ये बन गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 1 से मल्टीप्लाई करने से वो तो उतना ही रहेगा, क्लियर है। अब हमारे पास x का टर्म क्या मिल गया, हमारे हमको x का टर्म सेम मिल गया, सेम मिल गया, 2x मिल गया हमें, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का रोल हो गया, ओके। अब यहाँ पे प्लस या माइनस देखेंगे, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस तो 4x हो जाता, लेकिन हमको माइनस करना है, तो हम क्या करें, माइनस कर देते हैं इसे। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हो गया, चेंज, प्लस हो गया। और ये प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 5y, और 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, 0/5 is 0। अब मेरे को डायरेक्टली किसी को कहीं पे पुट नहीं करना पड़ा, बस मेरे को क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो भी फर्स्ट इक्वेशन में, और हमारा एलिमिनेट होके जल्दी से आंसर आ गया, y इक्वल्स टू 0। अब मेरे को x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब ये दो इक्वेशन है हमारे, ओरिजिनल दो इक्वेशन, उनमें से किसी में भी y का वैल्यू रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं x प्लस y इक्वल्स टू 5, तो x as it is, y 0 equals to 5, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5 मिल गई, क्लियर है। अब ये ही तो निकालना होता था हमें, x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी हमें, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, जो जो अभी लिए हैं उसके अलावा हम दूसरी दूसरी चीजें लेते हैं, ओके। दूसरी चीजें लेके देखने का मतलब क्या है, अभी मैंने x को एलिमिनेट किया था,
अब मैं क्या करूंगी, y को एलिमिनेट. ये दो इक्वेशन होने के बाद हमने क्या किया था, x वाले से हमने एलिमिनेट किया था, है ना. अब हम क्या करेंगे, y वाले को एलिमिनेट करेंगे. तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि y का कोएफिशिएंट क्या है. ओके, तो इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, 1. और दूसरी इक्वेशन अगर मैं लूं तो उसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, -3, क्योंकि इसके सामने प्लस होता है. हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax plus by plus c equals to 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये प्लस रहता है, दैट मींस b का टर्म है ये -3, क्लियर है, ये b का टर्म होगा -3. तो हमें क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, -3. तो अब अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे को फर्स्ट वाले का भी कोएफिशिएंट -3 करना पड़ेगा, तभी ये जाके आपस में कैंसिल हो पाएंगे, क्लियर है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमें क्या मिलेगा, -3x -3y इक्वल्स टू -15, ये मिल गया. और ये क्या मिलेगा, 2x -3y इक्वल्स टू 10, आई गेस नो डाउट. ओके, अब मुझे साइन चेंज करना है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है. तो हम ये साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस. तो ये दिस इज गेट कैंसल, ये क्या हो गया, -5x और ये क्या हो गया, -25. तो x की वैल्यू मेरे को यहाँ से कितनी मिल गई, 5 मिल गई. हमारा पहले भी x की वैल्यू 5 आया था. ओके, अब मैं x की वैल्यू 5 पुट कर देती हूँ सेकेंड इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 5 इन सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो क्या है, 2 इंटू 5 -3y इक्वल्स टू 10. सो -3y इक्वल्स टू 10 -10, 2 इंटू 5 इज 10, वहां जाके -10 हो गया. 10 -10 इज 0, -3y, y इक्वल्स टू ऑल्सो 0. लास्ट टाइम भी हमें यही आंसर मिले थे, इसी इक्वेशन को जब हमने किया था अभी पहले ही जस्ट, तो हमें यही आंसर मिला था, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5. समझ में, आप किसी भी इक्वेशन को उठा के आप उसे एलिमिनेशन के लिए कोई सा भी वेरिएबल चूज कर सकते हो. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे करना है और कौन से इक्वेशन को करना है. ओके गाइस, अभी तक जो भी हमने एलिमिनेशन मेथड में किया है वो एक बार और स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल्स दिया हुआ है, a1 कितना दिया है यहाँ पे 9, A2 कितना दिया है 7. हम A1 A2 के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि हम किसी एक कोएफिशिएंट को, वो x का कोएफिशिएंट हो या y का कोएफिशिएंट हो, दोनों इक्वेशन में हमें उसे क्या करना होगा, इक्वल करना होगा. ओके, तो अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो 4 तो कभी 3 बन नहीं सकता और ना ही 3 कभी 4 बन सकता है, क्लियर. तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था उसमें आपको सिर्फ एक इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे दोनों का करेंगे. हम क्या करेंगे, अगर मैं पहले आपको दिखाऊं कि y को एलिमिनेट करते हैं हम पहले, ओके x भी एलिमिनेट करके दिखाऊंगी, पहले y को एलिमिनेट करते हैं. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तभी ये 3 4 जा 12 होगा, और 4 से करेंगे इसे तो भी ये 3 4 जा 12 होगा. तो अब हम इसे 12 कर रहे हैं, राइट. तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे 3 से पहले, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू, दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2000 इंटू 3 इज 6000. ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं. नाउ फोर्थ इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, 4 7 जा 28x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 4 इंटू 2000 इज 8000. ओके, इसे इक्वेशन नंबर 4 रख देते हैं. अब इक्वेशन नंबर 4 और 3, 3 और 4 में हमको देखना है उसे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा. अब हम वो कैसे चेक करते हैं, हम वो चेक करते हैं कि हमें जिसे एलिमिनेट करना है, हमें इसे एलिमिनेट करना था, इसीलिए हम इसका कोएफिशिएंट क्या किए, इक्वल किए 12 एंड 12. तो अब हम इसको देखेंगे कि ये एलिमिनेट हो रहा है या नहीं. अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये तो एलिमिनेट हो जाता, मतलब कट जाता, माइनस 12y प्लस 12y 0 ही हो जाता है, क्लियर है. तो ये एलिमिनेट हो जाता इजीली, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है यहाँ पे, प्लस है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा साइन. मतलब हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे. ओके,
यहाँ इसे माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, हम लिखते क्या है, सब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और 4. ओके, 3 और 4 को हमने सब्स्ट्रैक्ट किया. तो अब मैं यहाँ पे सब्स्ट्रैक्ट करके, इसके सामने कुछ नहीं था तो प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया, और यहाँ प्लस का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया. तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 0. ओके, अब यहाँ पे ये कितना बच गया, माइनस बड़ा, 28 के सामने माइनस लग गया तो बड़ा है, इसलिए माइनस एक्स इक्वल्स टू, इधर कितना हो गया, बड़ा कौन सा है, 8000 के सामने माइनस लग गया, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस 2000. तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2000 मिल गई. अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप क्लियर कर लिए. फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट. हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशन को किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, जो कि जीरो ना हो. ओके, वो उस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना है टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल, ताकि एक्स या वाई का जो कोई सा भी एक वेरिएबल है, एक्स या वाई में से कोई सा भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है इक्वल हो सके. हमने यहाँ पे वाई के वेरिएबल को इक्वल किया है, कोएफिशिएंट 12 12 कर दिया. क्लियर है? तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ही फिनिश कर दिया इस इक्वेशन को वापस लिख के. सेकेंड क्या है, देन एड और सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड. हमने एड और सब्सट्रैक्ट किया तो हमें 12 वाई एलिमिनेट हो गया, तो हमें वैल्यू मिल गई एक्स की. ओके, फिर क्या बोल रहा है, इफ यू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू 3rd स्टेप. हमें मिल गया एक इक्वेशन, मिल गया क्या है, x इक्वल टू 2000. तो अब 3rd स्टेप क्या है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y टू ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू. हमने इसे सॉल्व कर लिया और वैल्यू लिया 2000. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y, x हमें मिला है, x इक्वल टू 2000 मिला है. ओके, सब्स्टिट्यूट इन आइदर द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू इन द अदर वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. हमें x मिल गया है तो अब हमें y फाइंड आउट करना है. दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन 1 या फिर 2 और 2, इन दोनों में से किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 1000. तो सपोज अगर मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ओके, पुट x इक्वल्स टू 2000 इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा, 2000 इंटू 7 इज 14000. ओके, माइनस 3y equals to 2000. Clear? Minus 3y equals to 2000 minus of 14000. That become minus 12000. And this is minus y. 3y. Okay? So minus minus get cancelled. And y equals to 12000 divided by 3. That means 3 ones are, 3 fours are, and triple zero. That is y equals to how much? 4000. We get the two values of two variables, x equals to 2000 and y equals to 4000. वही हमें find out करना होता है x और y की value. तो हम ये fourth step तक चलेगा. अब क्या बोल रहा है, verification बोल रहा है. अब verify करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, LHS equals to RHS करना होता है. Okay, तो LHS equals to RHS कर रहे हैं. तो अब हम क्या करें, एक equation ले लेते हैं, 9x minus 4y equals to 2000. हमें क्या पता है RHS कितना है, 2000 है, वो चेंज तो होने वाला है नहीं अब, लेकिन हमें x और y की वैल्यू मिल गई है. तो मतलब 9x minus 4y अगर 2000 आया हमारे x और y की वैल्यू को पुट करके, तो हमारा वैल्यू जो है वो करेक्ट है x और y का. ओके, x का 2000, x और y का वैल्यू करेक्ट है. ओके, तो 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 2000, माइनस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 4000. 9 2 18 और ये 3000, माइनस 4 4 16 और ये 1000. ओके, तो ये कितना हो गया, 18000 माइनस 16000 इज, वी गेट 2000. तो LHS हमको कितना मिल गया, 2000. RHS भी कितना हमारे पास, 2000. तो हमारा जो वैल्यू है x और y का वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बाकी दोनों इक्वेशंस के लिए. क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे पास, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव, दिस इज वेरीफाइड. ओके, ये होता है वेरिफिकेशन. अभी ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूरा क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज का हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे. ओके गाइस, अभी मैं सेम इक्वेशन आपको एक्स का वेरिएबल एलिमिनेट करके बताऊंगी. ओके, तो अभी हमने वाई का वेरिएबल एलिमिनेट किया था, मल्टीप्लाई करके वाई वाले को हटाया था. अब एक्स वाले को हटाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट को, एक्स के कोएफिशिएंट को हम कैसे कॉमन बना सकते हैं. अब 9 और 7 के टेबल में कुछ तो कॉमन आता है नहीं,
हाँ तो ऐसा नहीं है कि 9 2 18 कर दिए तो 7 2 18 हो जाएगा, वो तो 14 होता है। तो कॉमन कैसे करेंगे अब हम इसे? अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूं अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, ओके इक्वेशन नंबर 1 को मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 7 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 9, ओके तो मैं अगर ये कर देती हूँ तो कोएफिशिएंट इक्वल हो सकता है, क्योंकि 9 7 का कितना होता है 63 एंड 7 9 आल्सो 63। तो ये मल्टीप्लीकेशन करके हमें सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट को इक्वल करना है न्यूमेरिकली, ओके किसी एक वेरिएबल का। तो हमने एक्स का कर लिया है, पिछले वाले में हमने नाइन का किया, वाई का किया था, ओके चलो अब लिखते हैं, रीराइट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। 7 9 कितना होता है 63x-7 4 28y = 7 2 14,000, ओके ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगा हमारा, 7 9 9 7 63x-9 3 27y = 9 2 18,000, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको क्या करें, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि हमें देखना है कि एलिमिनेट होना चाहिए ये, राइट? तो एलिमिनेट होने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसे हमें काटने के लिए, हटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा या माइनस, सिर्फ एलिमिनेशन वाले पोर्शन को ही देखना है, ओके तो हम यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये तो कितना हो जाता 126x हो जाता, लेकिन हम उसका कोएफिशिएंट इक्वल क्यों किए हैं, हमने उसका कोएफिशिएंट इक्वल इसलिए किए हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए, ना कि प्लस प्लस हो जाए, ओके तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, ओके इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली देखा जाए तो सब्सट्रैक्ट ऐसे किया जाता है, इक्वेशन ये वाला है, ओके -63x-27y = 14,000 -18,000, ओके सब्सट्रैक्ट हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये 63x-28y -63x+27y = ये वाला सॉल्व करने से कितना आ जाएगा -4,000, ओके जो ज्यादा बड़ा वैल्यू है उसका हम साइन कैरी करते हैं इसलिए वो -4,000, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये कितना बच जाएगा -y = -4,000, -y get cancel y = -4,000। इतना स्टेप वाइज हमें ना करना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं, हम डायरेक्टली काटना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस लिख दिए, माइनस था तो इसे प्लस कर दिया, ये प्लस था तो इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसे करने से ये डायरेक्टली हमारा कैंसिल हो गया, पता चल गया। अब ये क्या हो गया, -28y और +27y, हमने साइन चेंज कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, ये हमें पता चल जाता है। तो वो अब इतना ज्यादा हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस कि हम ये जल्दी से समझ जाए, तुरंत ही बिना हमें सॉल्व किए हम ये आंसर लिख पाए, ओके तो ये कितना हो जाएगा -y और ये माइनस करेंगे 14,000 -18,000। अब 14,000 में से माइनस तो होता नहीं 18,000, राइट? तो हम करते हैं 18,000 -14,000 ही और आंसर कितना आता है हमारे पास, 4,000 ही आता है। लेकिन हम साइन कौन सा लेते हैं, जो बड़ा वैल्यू है, तो हम क्या ले लिए इसमें, -4,000 ले लिए, ओके ऐसे करते ही है माइनस हम, तो दिस इज -4,000। तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4,000 मिल गई, यहाँ से वाई मिल गया। तो अब हम उसको क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में 1 में या फिर 2 में हम पुट कर लेंगे, ओके तो हम क्या करें, ओरिजिनल इक्वेशन में, ओके तो हम एक काम करते हैं, हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, ओके पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4,000 इन इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप, 1 में भी पुट करेंगे तो वही आंसर मिलेगा आपको, ओके तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। 9x-4y की वैल्यू कितनी है, 4,000 = 2,000, ओके तो 9x-4 = 16,000 = 2,000, 9x = 2,000 + 16,000 दैट बिकम 18,000, 18,000 = 9x हुआ तो x इक्वल टू कितना होगा 18,000/9। अगर ये ऐसे आया तो हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 9 1 9 9 2 18 and this 1,000, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2,000 मिल गई, पहले भी यही मिला था।
आप कोई सा भी इक्वेशन पकड़ के, कोई सा भी वेरिएबल पकड़ के आप एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके क्लियर है इतना. इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है. अगर आपको इंट्रोडक्शन सही में पूरा समझ में आता है तो आप एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं. ओके स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.